हिंदुस्तान इतिहास रचने की दहलीज पर है। जो सपना खिलाड़ियों ने बचपन में देखा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 10 मुकाबले जीतकर सनसनी मचा दी है, जिसकी वजह से विपक्षी ऑस्ट्रेलियाई टीम भी दंग है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत के टॉप ऑर्डर ने तो कमाल किया ही है, साथ में मिडिल ऑर्डर ने भी खूब साथ निभाया है। वर्ल्ड कप 2023 के पहले लीग मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हो गया था, तब मध्यक्रम ने ही जान बचाई थी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अब तक टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की मुख्य धुरी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ही साबित हुए हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। अय्यर ने 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 526 रन बनाए हैं और उनका औसत भी 75.14 का रहा है। बेस्ट स्कोर है 128 रन नॉट आउट। एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब नंबर 4 की पोजीशन थी। तब श्रेयस अय्यर इंजरी से उबर रहे थे और उनके खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ था। वहीं ऋषभ पंत पहले ही इंजरी की वजह से इन दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। अय्यर ने वर्ल्ड कप में इनमें से किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने सेमीफाइनल में ताबड़तोड़ शतक जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। अय्यर के अलावा केएल राहुल ने नंबर 5 पर शानदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने तब टीम इंडिया की नैया पार लगाई जब भारतीय टीम मुश्किल में थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए थे। इसके बाद केएल राहुल ने ही कोहली के साथ मिलकर हिंदुस्तान को मैच जिताया था। वर्ल्ड कप 2023 में केएल राहुल ने भी अपने बल्ले से प्रभावित किया है। उन्होंने 10 मुकाबलों में 386 रन बनाए हैं और राहुल का औसत भी 77.20 का है। केएल राहुल का बेस्ट स्कोर रहा है 102 रन। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के अलावा बाकी निचले बल्लेबाजों को बैटिंग का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। सूर्य कुमार यादव को ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। बस भारतीय फैंस को उनके बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी अगर उनकी बैटिंग की बारी आती है तो। वर्ल्ड कप 2023 में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 6 मुकाबलों की 6 पारी में महज 88 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर रहा है 49 रन। सूर्य कुमार यादव के अलावा हार्दिक पांड्या के बाहर होने के बाद रविंद्र जडेजा ने भी हार्दिक पांड्या की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। जडेजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोहली के साथ मिलकर मैच फिनिश किया। जडेजा को केवल 4 पारियों में ही बल्लेबाजी का मौका मिला है। रविंद्र जडेजा ने मौजूदा वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी भी की है। उन्होंने इस विश्व कप के 10 मुकाबलों में 16 विकेट चटकाए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 10 मुकाबलों की 4 पारियों में रविंद्र जडेजा ने 111 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर रहा है 39 रन नॉट आउट। इसके अलावा जडेजा ने 16 विकेट भी चटकाए हैं। भारतीय टीम के मध्यक्रम ने अगर ये रफ्तार कंगारू टीम के खिलाफ भी बरकरार रखी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छूटने तय हैं। अब हर हिंदुस्तानी 2003 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने के लिए आतुर दिख रहा है और टीम इंडिया के इन धुरंधरों से उम्मीद है कि वे कंगारू टीम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पटखनी देकर पुराने जख्मों पर मरहम लगाएंगे और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।